नाना सुपारा विधानसभा 132 से प्रहार जनशक्ति पक्ष पार्टी से धनंजय गावड़े ने भरा नामांकन पत्र। पूरे महाराष्ट्र भर में विधानसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। उसी क्रम में पालघर जिला अंतर्गत आने वाले नाला सुपारा विधानसभा 132 से धनंजय गावड़े ने प्रहार जनशक्ति पक्ष पार्टी के बैनर तले अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर प्रहार जनशक्ति पक्ष पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित रहे। वहीं नामांकन के आखिरी दिन होने के चलते धनंजय गावड़े ने समय सीमा के चलते अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं इस अवसर पर धनंजय गावड़े ने बहुजन विकास अघाड़ी के 35 सालों के विकास कार्यों पर भी उंगली उठाई। आज शक्ति प्रदर्शन करत आपण आज उमेदवारी अर्ज भरलेला आहे, काय कशी प्रतिक्रिया आहे? पहिले सर्वप्रथम म्हणजे एक गोष्ट समजून घेण्यासारखी आहे की कोणताही असा मोठा राजकीय पक्ष, मोठी ताकद अशी नसताना पण एवढा जर जनसमुदाय आलाय तर निश्चित या मतदारसंघामध्ये किंबहुना या तालुक्यामध्ये परिवर्तन होणार आहे, हा त्याचा संदेश आहे। आणि बच्चू भाऊंसारख्या कनवाळू लोकांसाठी लढा देणाऱ्या हा अवलिया याच्या नेतृत्वाखालचा हा पक्ष आहे, त्यामुळे आम्हाला खात्री आहे की आम्हाला भरपूर समर्थन मिळेल जनमानसा। उबाटा गटाचे काहीही पदाधिकारीही नाराज आहेत तो उमेदवारीवरून, कारण की बाहेरून आलेला उमेदवार दिलेला आहे, तेही तुम्हाला मदत करतात? आणखी कुठले कुठले पक्ष मदत करतात? ज्या ज्या लोकांना वाटतं की या वसईचं हित झालं पाहिजे, ठाकूरांची भ्रष्ट सत्ता पायउतार झाली पाहिजे, ते प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक पक्षातला पदाधिकारी हा आमच्या सोबत आहे। काय मुद्दे असणार आहे? ठाकूरांचा भ्रष्टाचार असणार आहे, विकास न झालेली विकास कामं दाखवली गेलेली आहेत, त्यांचा पर्दाफाश होणार आहे। आणि आमचं विजन काय आहे वसईच्या तालुक्याच्या विकासासाठी हे आम्ही जनतेपुढे घेऊन जाणार आहोत। शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये आम जनता की भावना है। आम जनता, कोई भी एक बड़ा पक्ष, कोई भी एक बड़ा नेता इधर हमारे पास नहीं है, फिर भी आम जनता इतने पैमाने पर अगर इकट्ठा होती है तो जनता ने कई मन बना लिया है कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में वसे में परिवर्तन करेगी। स्थानीय सत्ता और बहुत सारे जो लोग हैं महाविकास अघाड़ी में, चाहे वो घटक दल हो, सारे लोग नाराज हैं, वो लोग कहीं ना कहीं आपके साथ सपोर्ट में, ऐसा कहा जा रहा है, तो इस संपूर्ण मामले पे क्या कहेंगे आप? जी, मैंने पहले ही कहा है कि वसई के हर नागरिक और वसई के जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, वो हर पॉलिटिकल पार्टी का पदाधिकारी जिनको लगता है कि ये जो भ्रष्ट सत्ता है ये खत्म होनी चाहिए और किधर तो जनता का राज आना चाहिए, वो हर पदाधिकारी, हर नागरिक हमारे साथ है। यहाँ की स्थानीय सत्ता पर क्या इस तरीके की भ्रष्ट सत्ता है, क्या कहेंगे? लोगों ने उसका जवाब लोकसभा चुनाव में दिया है, लेकिन यहाँ की जो प्रमुख विपक्षी दल है वो जब विधानसभा चुनाव आते हैं तो कुछ तो अटपटे से। पेश है नाला सुपारा की यह एक रिपोर्ट।